दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सेट नंबर 7वां देखेंगे। दोस्तों इस सेट में मैं छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया हूं। इसको दोस्तों आप लोग टेस्ट सीरीज के रूप में लीजिएगा तथा जब भी मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ जल्द इसका तुरंत ही आप दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में आंसर अपने मन में या आपको जितना पता है बता दीजिएगा, या एक नोट कॉपी लेके बैठिए उसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसके आंसर को, तथा वीडियो के अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किसका कितना आंसर सही हुआ है। तो दोस्तों इसको पूरे ईमानदारी से आप बनाइएगा तथा अपने आप को जांचिएगा कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं। आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ है? तो ऑप्शन ए है जुलाई 2004, ऑप्शन बी है मई 2001, ऑप्शन सी है अगस्त 2002, ऑप्शन डी है जून 2000। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मई 2001 है। दोस्तों मई 2001 में जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम का गठन किया गया है। दोस्तों इस वन विकास निगम का जो कार्य होता है यह वनों की देख रेख करना तथा पूरा जो जितने भी वन होते हैं उसका उत्तरदायी अपने ऊपर लेना। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो वन अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना 17 मार्च 2013 को जो है रायपुर में की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इस राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वनवृत्त कौन सा है? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है जगदलपुर, ऑप्शन डी है अंबिकापुर। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, दे दीजिए या नोट कॉपी बना लीजिए। इसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिलासपुर है। दोस्तों बिलासपुर वनवृत्त सबसे बड़ा है। जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में वनवृत्तों की संख्या है वह दोस्तों 6 है। एक है पहला है दोस्तों बिलासपुर वनवृत्त जो कि सर्वाधिक बड़ा है, उसके बाद है बस्तर वनवृत्त, और उसके बाद है तीसरा में सरगुजा वनवृत्त, और चौथे में दोस्तों कांकेर वनवृत्त, और पांचवा में जो रायपुर वनवृत्त, और छठवा में जो दोस्तों दुर्ग वनवृत्त जो कि सबसे छोटा है। और दोस्तों वनों को जो है तीन प्रकार से बांटा जाता है, जैसे कि आरक्षित हो गया और संरक्षित हो गया, और एक तीसरा होता है अवर्गीकृत। तो इन तीनों तीनों ही क्षेत्रों में दोस्तों बिलासपुर का जो है सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे छोटा वनवृत्त कौन सा है? दोस्तों मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया हूँ, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन ए है दोस्तों बिलासपुर वनवृत्त, ऑप्शन बी है रायपुर वनवृत्त, ऑप्शन सी है दुर्ग वनवृत्त, ऑप्शन डी है कांकेर वनवृत्त। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो दुर्ग वनवृत्त है। दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो है सबसे छोटा है, जो कि है दोस्तों लगभग आपका 56,38,470 तीनों को मिला के, आरक्षित संरक्षित और अवर्गीकृत तीनों को मिला के। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे तीन कथन दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व की घोषणा 1962 में की गई थी। दूसरा है कथन दोस्तों कांकेर घाटी एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। तीसरा कथन है भैंसदरहा प्राकृतिक मगरमच्छ केंद्र लगभग 4 हेक्टेयर में विस्तृत है। ये तीनों कथन पे दोस्तों आपको पढ़ना है तथा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें सत्य कथन को बताना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिएंगे। जो इंद्रावती टाइगर रिजर्व की घोषणा है दोस्तों 1962 में की गई थी, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों कांकेर घाटी एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। हाँ दोस्तों कांकेर घाटी को जो है एशिया का पहला बायोस्फीयर कहा जाता है। तीसरा जो है दोस्तों भैंसदरहा प्राकृतिक मगरमच्छ केंद्र लगभग 4 हेक्टेयर भूभाग में स्थित है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। जो भैंसदरहा प्राकृतिक मगरमच्छ केंद्र है दोस्तों यह लगभग 4 हेक्टेयर में विस्तृत है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी दोस्तों कथनों पर विचार करना है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा कथन दिया दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुल भूमि दोहरी कृषि योग्य है।
तीसरा है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसके बाद मैं सही आंसर बताता हूँ। इसमें दोस्तों कौन सा कथन सही है वो बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन थ्री है दोस्तों केवल तीन, ऑप्शन डी है केवल एक और तीन। तो इसमें आपको सत्य बताना है दोस्तों। आइए दोस्तों कथन को चलते हैं। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों बिल्कुल सही है, इस प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुल भूमि दोहरी कृषि वाली है, योग्य है ये दोस्तों गलत है, दोहरी कृषि वाली नहीं है। तीसरा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यहाँ का जो मुख्य भोजन है छत्तीसगढ़ राज्य का ये जो है चावल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और तीन, एक और तीन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठवां, छत्तीसगढ़ प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सा है। आपको बताया जैसे दूसरे नंबर पर जो खाद्यान्न फसल है उसका स्थान कौन सा है। पहला तो चावल है, दूसरा में कौन सा आपको बताना है खाने वाला है, जो अनाज है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है दोस्तों मक्का। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गेहूं है दोस्तों यह छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित यानी वनों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का कुल भाग जो कि वनों से है, ऑप्शन ए दोस्तों 23.38%, ऑप्शन बी है 44.22%, ऑप्शन सी है 44.92%, ऑप्शन डी दोस्तों 43.91%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों में कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो 44.92% है ये दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ का कुल जो भूभाग है उसका जो वनों से घिरा हुआ है 44.92% भूभाग। तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आठवां है, इस प्रदेश में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। जो आरक्षित वन है दोस्तों इसका जो है विस्तार किस जिले में है सबसे अधिक। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी है कांकेर, ऑप्शन सी है सरगुजा, ऑप्शन डी है दोस्तों बस्तर। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग इसका आंसर बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो दंतेवाड़ा है दोस्तों, जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा जिले का जो है दोस्तों सबसे अधिक जो वो है आपका आरक्षित वन सर्वाधिक है दंतेवाड़ा का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो टाइगर रिजर्व की संख्या बताना है दोस्तों छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3। जो टाइगर रिजर्व है उसकी संख्या 3 है दोस्तों। पहला जो है टाइगर रिजर्व दोस्तों 1983 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर बनाया था। टाइगर रिजर्व जो 2009 में किया गया था, और जो उदयंती और सीता नदी है दोस्तों इन दोनों को मिलाकर भी प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था 2006 में। तरह टाइगर रिजर्व जो दोस्तों 2009 में से बनाया गया था। और तीसरा दोस्तों अचानक मार, इसे दोस्तों 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर की श्रेणी में रखा गया था तथा 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला दोस्तों एक चौथा नंबर में प्रस्तावित है पर उसे अभी तक नहीं घोषित किया गया है, वह दोस्तों भोरमदेव अभ्यारण्य को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, राज्य में कुल वन क्षेत्रफल में सागौन वनों का क्षेत्रफल कितना है। आपको सागौन वन का जो क्षेत्रफल है वो बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 4.56%, ऑप्शन बी है दोस्तों 6.50%, ऑप्शन सी है 9.42%, ऑप्शन डी है 11.4%। तो जल्दी इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। इसके बाद इसके मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका जो है दोस्तों आपका सागौन का बताना है। इसका दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 9.42% जो है दोस्तों यह सागौन का क्षेत्रफल है। इसमें दोस्तों मिश्रित वन का जो 43.52% है, साल वन का जो है 40.56%, और बांस का जो है दोस्तों 8.11% है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अचानक मार अभ्यारण को
टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया है? तो दोस्तों टाइगर रिजर्व इसको मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन ए है दोस्तों 5 अगस्त 2006 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2008 को, ऑप्शन सी है 20 फरवरी 2009 को, ऑप्शन डी है 27 अप्रैल 2014 को। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसके मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर हम लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 फरवरी 2009 को जो है दोस्तों आपका चानाभर अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अचानक मार्ग को बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया है? ऑप्शन ऑप्शन ए है दोस्तों जनवरी 2003, ऑप्शन बी है मार्च 2005, ऑप्शन सी है जून 2007, ऑप्शन डी है दोस्तों अगस्त 2009। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर हम लोग बना लिए होंगे। जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अचानक मार्ग को बायोस्फीयर जो है दोस्तों मार्च 2005 को घोषित किया गया था, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2005। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, तो आशा करता हूँ आप लोग को इसका आंसर पता होगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन ए दोस्तों साल पत्ता, ऑप्शन बी है तेंदू पत्ता, ऑप्शन सी है सागौन, या सागौन है दोस्तों, गलत टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन डी है बबूल पेड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो तेंदू पत्ता है दोस्तों इसको हरा सोना के रूप नाम में जाना जाता है, तथा तो इसको समर्थन मूल्य में दोस्तों इसका खरीदी किया जाता है तेंदू पत्ता का। हम चलिए दोस्तों आगे क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ में कुल वनों के दृष्टिकोण से अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है? जो अवर्गीकृत दोस्तों है वनों का प्रतिशत वह पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 43.12%, ऑप्शन बी है 40.22%, ऑप्शन नंबर सी है 36.81%, ऑप्शन डी है 16.65%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सेंस से बताता हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 16.65%। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का सभी का आंसर बन रहा होगा और अधिक से अधिक आप लोग सही कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दोस्तों पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो वन आवरण की दृष्टि जो जो दृष्टि से जो हमारे देश का स्थान है वह दोस्तों तीसरा नंबर का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन ए तंवर पिंगला, ऑप्शन बी अचानक मार, ऑप्शन सी है पामेड़, ऑप्शन डी है दोस्तों सीता नदी। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो तंवर पिंगला है दोस्तों आपका कोरिया सूरजपुर जिला के अंतराल में पड़ता है, अधिकतर इसका सूरजपुर में आता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तंवर पिंगला, जो कि सर्वाधिक बड़ा अभयारण्य है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी है दोस्तों 1982। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो 1978 में है जो दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सीमा सुरक्षा के सामने बीजापुर दिया, गोमरदा के सामने जसपुर दिया, बादलकोट के सामने गरियाबंद, पामेर के सामने सूरजपुर, और वैजयंती के सामने रायगढ़। तो इसका दोस्तों जल्दी मिलान करना है अपने को, फिर इसमें ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा सही है। तो सीमा शुल्क जो है दोस्तों आइए मिलाते हैं, जो सीमा शुल्क है बिहार है दोस्तों, तो मिलान करते हैं। तो सीमा शुल्क जो है दोस्तों आपका बलरामपुर होगा, यहाँ पे सूरजपुर दोस्तों, यहाँ पे बलरामपुर कर लीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों बलरामपुर कर लीजिएगा, तो यहाँ बलरामपुर होगा। गोमरदा जो है दोस्तों ये आपका रायगढ़ में है, और बादल खोल जो है दोस्तों आपका जसपुर में है, पामेड़ जो है दोस्तों आपका बीजापुर में पड़ेगा, और उदयंती जो तो गरियाबंद।
तो उसका मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। पहला का यहाँ पे बलरामपुर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 5 1, 4 5 दोस्तों 2 1 3, 4 5, 4 5 2 1 3, ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ये 4 5 2 1 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन है? ऑप्शन ए दोस्तों 7.42, ऑप्शन बी है 9.42, ऑप्शन सी है 11.42, ऑप्शन डी है 13.42। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 9.42% क्षेत्र है दोस्तों उसमें दोस्तों आपका सागौन वन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है? जो आरक्षित वन का क्षेत्रफल है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए 40.5%, ऑप्शन बी 41.40%, ऑप्शन सी है 42.12%, ऑप्शन डी है 43.13%। तो आपको आरक्षित वन का क्षेत्रफल कुल बताना है दोस्तों, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो 43.13%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जो आरक्षित वन है दोस्तों 43.13% क्षेत्रफल पर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है बीजापुर, ऑप्शन बी है कोरिया, ऑप्शन सी है बस्तर, ऑप्शन डी है दोस्तों दंतेवाड़ा। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट से बना लीजिए। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, या इंद्रावती नदी इसके बीच से गुजरती है, जिसके कारण से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बीजापुर जिला है दोस्तों, बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है नहीं है उसका वर्णन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत है उसका आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों कथन एक है दोस्तों आरक्षित वन 43.3%, अवर्गीकृत वन 16.65%, और संरक्षित वन जो है दोस्तों 40.22%। यहाँ पे कूट दिया गया केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक, केवल दो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों लोग कमेंट से बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है दोस्तों आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 43.13 होगा, खाली 3 नहीं होगा दोस्तों। और अवर्गीकृत वन का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 16.65 दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो है दोस्तों संरक्षित वन है, संरक्षित वन का क्षेत्रफल 40.22% है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 यानी कि 2 और 3 इसका सही आंसर है, इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें मिलान करना, सम्मिलित करना है। सीमा सूत्र के सामने 74 दिया, बादल के सामने 76, भैरमगढ़ के सामने 83, और बारनापाड़ा के सामने 75, सीता नदी में 1978। आपको मिलान करना था, बताना कौन सा इन ऑप्शन में से सही है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों मिलान करते हैं। जो दोस्तों सीमा सूत्र जो है बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है तथा इसको 1900 दोस्तों 78 में स्थापित किया गया था। बादल खोल अभ्यारण जो है दोस्तों आपका जसपुर जिले के अंतर्गत आता है, जिसे कि दोस्तों 1975 में स्थापित किया गया था। और जो भैरमगढ़ अभ्यारण है दोस्तों इसको ये जो है दोस्तों बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, जिसे कि दोस्तों 1983 में, 1983 जो कि सीधा सीधी है दोस्तों में स्थापित किया गया था। और बारनवा पाड़ा जो है दोस्तों ये आपका बलौदा बाजा तथा महासमुंद के कुछ क्षेत्र में आता है, जो कि एक नवापारा नामक स्थान पर बसा है। तो इसका जो है दोस्तों 1976 में, ऑप्शन नंबर दो इसका 1976 में इसका स्थापना किया गया था। जो सीता नदी है दोस्तों आपका ये दोस्तों धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, जो कि दोस्तों 1974 में इसकी स्थापना किया गया था। तो आइए दोस्तों इसका मिलान करते हैं, इसका मिलान होगा 5 4 3 2 1, 5 4 5 4 कहाँ है दोस्तों, 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। देश के खनिज उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़ की किस स्थान पर है? जो
देश में खनिज उत्पादक राज्यों के जो तुलना करते हैं दोस्तों, इसमें अपना छत्तीसगढ़ स्टेट का कौन सा स्थान आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो आपको स्थान बताना है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग दे दिए होंगे। तो 224 का सही आंसर होगा जो तीसरा नंबर का स्थान है, तीसरा नंबर का स्थान है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का खनिज उत्पादक की दृष्टि से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के जो किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है कांकेर, ऑप्शन डी है दुर्ग। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो दंतेवाड़ा जिला है दोस्तों, इस जिले में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए महासमुंद, ऑप्शन बी है धमतरी, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है रायगढ़। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रायपुर। जो रायपुर जिला है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक मात्रा में चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है, जो कि दोस्तों सीमेंट का अयस्क होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के कोयले का लगभग कितना प्रतिशत भंडार छत्तीसगढ़ में है। जो कुल कोयले का प्रतिशत है दोस्तों पूरा भारत में, उसका कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से उत्पादन होता है उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है 18%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है दोस्तों 20%, और ऑप्शन डी है 15%। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए या अपना नोट कॉपी में लिख लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो 18% जो जो है दोस्तों आपका कुल मतलब कोयले का भंडार का हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं। यानी कि इसमें से ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन से जिले में टीन उत्पादक किया जाता है, टीन का अयस्क। ऑप्शन ए है दोस्तों सरगुजा, ऑप्शन बी है धमतरी, ऑप्शन सी है बिलासपुर, ऑप्शन डी है दंतेवाड़ा। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो दंतेवाड़ा जिला है दोस्तों, इस जिले में टीन का एकमात्र जिला है दोस्तों भारत में, छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा जिला है, इसमें दोस्तों टीन अयस्क का उत्पादन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 29 नंबर का, देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। जो देश के लौह अयस्क का भंडार है दोस्तों, लगभग इसका कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। ऑप्शन ए है 23%, ऑप्शन बी 18.5%, ऑप्शन सी 12.5%, ऑप्शन डी है दोस्तों 28.5%। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो 18.5% दोस्तों लॉयस का भंडार है वो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीरधाम जिले में किस खनिज के उत्पादन की संभावना है। कबीरधाम जिले में दोस्तों किस खनिज का उत्पादन किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों बॉक्साइट, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है दोस्तों अभ्रक, ऑप्शन डी है लौह अयस्क। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा जो आपका कबीरधाम जिले में दोस्तों, ऑप्शन डी लौह अयस्क का उत्पादन या खनन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था। जो गौण खनिजों का दोस्तों उत्पादन मूल्य कितना था आपको बताना है। गौण खनिज के अंतर्गत जो है दोस्तों आपका, जो कि दोस्तों नीचे से नहीं आता है, जो कि ऊपर में, जैसे तेंदुपत्ता हो गया, उसी तरह से अन्य बहुत सारे उत्पादक है जिसका मूल्य कितना था आपको बताना है। ऑप्शन ए 33,495 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 43,904 लाख रुपए, सी है दोस्तों 27,897 लाख रुपए, ऑप्शन डी है दोस्तों 35,904 लाख रुपए। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 43,904 लाख रुपए जो है दोस्तों गौण खनिज का मूल्य था 2012-13 में।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्ता का उत्पादन अधिक होता है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है महासमुंद। तो आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जो चूना पत्थर का उत्पादन है दोस्तों सर्वाधिक जो है दोस्तों आपका इसमें नहीं दिया है दोस्तों, ये आपका बड़ौदा बाजार जिला होगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, जो बड़ौदा बाजार है दोस्तों उस जिले में किया जाता है, यानी चूना पत्थर का उत्पादन और उसमें जो उससे जो सीमेंट बनता है उसका, तो इसमें होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? कोरिया, कोयला, सुमेलित है दोस्तों। बी जो है रायपुर हीरा, सी जो है लॉ इसके रायगढ़ लॉ इसके, ऑप्शन डी है सरगुजा सोना। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर बना लिए होंगे। तो दोस्तों इसमें होगा दोस्तों आपका कोरिया तो कोयला ठीक है, रायपुर में दोस्तों हीरा कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत है लेकिन इसको भी नहीं लेते हैं, और रायगढ़ में जो है दोस्तों रायगढ़ में भी कोयला चलता है और सरगुजा में भी कोयला। तो दोस्तों इनमें से होगा दोस्तों सुमिलित नहीं है, यानी कि सुमिलित होता तो अरे सुमिलित है तो इसमें कोरिया होता, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला का उत्पादन वर्ष 2012-13 से 2015-16 की अवधि में किस वर्ष की तुलना में घटा है, यानी कि 12-13 से 15-16 की अवधि में किस वर्ष घटा आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों 2012-13, ऑप्शन बी है 13-14, ऑप्शन सी है 14-15, ऑप्शन डी है 15-16। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों घटा बताना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो 2015-16 है दोस्तों इस वर्ष में कोयला उत्पादन का दर घटा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत वर्ष 2012-13 से 2016-17 अक्टूबर तक की अवधि में किस वर्ष रहा है, जो आपको कुल उत्पादन मूल्य का सबसे अधिक प्रतिशत बताना है 2012 से 2012-13 से 16-17 तक। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 12-13, ऑप्शन बी है दोस्तों 13-14, ऑप्शन सी है 15-16, ऑप्शन डी है दोस्तों 16-17। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बढ़ा है दोस्तों वो है 13-14 में, 13-14 में दोस्तों बढ़ा है आपका कुल उत्पादन मूल्य जो है खनिज उत्पादन में अखिल भारत की स्थिति में। तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, हसदेव घाटी और मांड घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि हसदेव घाटी और मांड घाटी जो है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है दोस्तों लॉस के लिए, ऑप्शन बी है डोलोमाइट के लिए, ऑप्शन सी है कोयला के लिए, ऑप्शन डी है बॉक्साइट के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हसदेव घाटी जो कि दोस्तों आपका कोरिया से निकलती हुई दोस्तों कोरबा तक जाती है, और मांड भी दोस्तों सरगुजा से निकलते हुए आपका महानदी में जाके मिलती है। तो इन दोनों के नदी घाटी में दोस्तों क्या है पाया जाता है इसको आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो लॉ इसका जो है दोस्तों हजो घाटी और मान घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व निम्नलिखित में से किस अस्क के लिए है? छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व निम्नलिखित में से किस अस्क के लिए है, धारवाड़ का बताना है। ऑप्शन ए दोस्तों लॉय, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है बॉक्साइड, ऑप्शन डी है दोस्तों डोलोमाइट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, अपना नोट कॉपी बना लीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग बना लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो लोहा इसका है दोस्तों यह जो है आप जो लोहा इसके दोस्तों यह धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है, जो कि दोस्तों सर्वाधिक दंतेवाड़ा जिले में है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में दंडकारण्य का पठार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दंडकारण्य जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के स्थान है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों चूना पत्थर, ऑप्शन बी है लॉय इस्क, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, इसके बाद इसका मैं सही आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो लॉय इस्क के लिए जो दोस्तों लॉय इस्क के लिए जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र फैला हुआ है जिसे कि हम दंडकारण्य भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं।
मतलब इसका 38 का क्वेश्चन था दोस्तों, इसका भी लोहा इसका होगा, थोड़ा स्क्रॉल हो गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है, दिल्ली राजहरा लोहा इसक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत आता है, आपको बताना है दिल्ली राजहरा वाला लोहा इसक का क्षेत्र। ऑप्शन ए दोस्तों दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है कोंडागांव, ऑप्शन डी है बालोद। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए दोस्तों। जो दोस्तों दिल्ली राजहरा लोहा इसक से लोहा इसक जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से लोहा इसक जो है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है दुर्ग में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बालोद। जो बालोद जिला है दोस्तों, इस जिले में आपका दिल्ली राजहरा का क्षेत्र फैला है, जो कि लोहा इसक के लिए फेमस है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, ये दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस शैल समूह में चूना पत्थर पाया जाता है, यानी कि कौन सा शैल समूह है इसमें से जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों गोंडवाना, ऑप्शन बी एकड़ा, ऑप्शन सी धारवाड़ा, ऑप्शन डी है दोस्तों किम्बरलाइट। तो इसका आंसर दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों जो है तो गोंडवाना जो है दोस्तों, गोंडवाना शैल समूह में दोस्तों आपका लोहा इसक पाया जाता है, कड़प्पा में जो दोस्तों आपका चूना पत्थर पाया जाता है, इस वीडियो का सही आंसर कड़प्पा होगा, धारवाड़ में जो दोस्तों लोहा इसक पाया जाता है, किम्बरलाइट में जो दोस्तों हीरा पाया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तथा इसको आप ईमानदारी से बनाए होंगे। तो कितना आंसर आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा अपना फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी करने बोलिएगा तथा बेल आइकॉन में दोस्तों जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो आपको ईमेल के माध्यम से आपका आपको मैसेज मिल जाएगा कि कोई वीडियो अपलोड किया गया है चैनल पर। तो दोस्तों इस तरह से आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।